स्कूल चलो अभियान के तहत एबीएसए सेवापुरी ने अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। वाराणसी जनपद के आदर्श मॉडल ब्लॉक सेवापुरी में खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी संजय कुमार यादव ने स्कूल चलो अभियान के तहत बुधवार को मड़ैया ग्राम सभा के बीरमपुर गांव सहित सेवापुरी ब्लॉक के दर्जन भर गांव में भ्रमण कर बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। वहीं इस अभियान के दौरान प्राथमिक विद्यालय हितापुर गहरपुर सहित कई अन्य विद्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी संजय यादव ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2 अप्रैल से शुरू हुआ है जो कि 30 अप्रैल तक चलेगा। इस समय जैसे शासन की मंशा है, शासन की मंशा के अनुसार 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। उसी मंशा को ध्यान में रखते हुए सभी हमारे टीचर्स घर घर जा रहे हैं और 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनका चिन्हांकन कर रहे हैं और विद्यालय में नामांकन करा रहे हैं। अद्यतन सेवापुरी में लगभग 6100 नामांकन हो चुके हैं। पूरे बनारस को 43,000 लगभग नामांकन का लक्ष्य मिला था। अभी तक बनारस में 63,000 एडमिशन हो चुके हैं और हम लोग प्रयासरत हैं अपने परम आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी वाराणसी श्री डॉक्टर राकेश सिंह के का जो निर्देश है उसको सभी लोग पालो कर रहे हैं। और आज भी हमारे यहाँ 30 स्थान पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर अभी भी देखिए सर, कई विद्यालयों में सर आपने दौरा किया सर, कुछ सर खामियाँ मिली विद्यालय सर दौरा करें सर? नहीं, अभी तो हम लोग नामांकन करने के लिए प्रयासरत हैं और कुछ टीचर हमारे गांव में जा रहे हैं, कुछ टीचर वहां रह के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैं 2 स्कूल का देखा, वहां पे बच्चे भी आए थे। सर अभी आप प्राथमिक विद्यालय हितापुर में आए हैं सर? हाँ सर। अभी यहाँ पे सर पिछले सत्र में कितने यहाँ पे बच्चे थे, इस बार अभी नया पंजीकरण कितने बच्चों को है? हितापुर में 20 नए नामांकन हुए हैं अभी तक, पिछले साल की अपेक्षा 20 नए नामांकन हुए हैं। और आज ये लोग फिर इनके यहाँ मैंने टीम लगा रखा है, करीब 10 हमारे अध्यापक गांव-गांव में घर घर में जा रहे हैं कि यदि कोई भी बच्चा छूटा हो तो आज उसका नामांकन कर लिया जाए।